पास बैठा मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो बोले क्या? मैं मुझे आपसे शादी करनी है। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी भाग गया। जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर, तो अगेन पता नहीं कैसे बताऊं, बट वहां पे एक लड़की थी। बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। तो मेरे साथ सेम हुआ, उनको जब पहली बार देखा मैंने तो बस दिल के तार बज गए, पता नहीं क्या हुआ। पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगेन करने कुछ और आया था, पढ़ाई करने आया था, तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ में अगेन साइड में हो गया, डाइवर्ट हो गया। बिकॉज उस टाइम भी क्या मुझे एनर्जी बहुत थी, जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे 10 गुना ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है, इस वजह से आप बहक जाते हो। लेकिन उसे अलाइन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, ऐसा करके। यस, जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है ना, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनसे ना मैं आपको तो एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इसका कोई प्रूफ है? उसके आने का इंतजार करना, उसके जाने का इंतजार करना, उसे देखना है ना, बिल्कुल होता है। 6 महीने मैंने खराब कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं किया, भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूँ, किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूँ यार, सब भूल गया मैं। गलत बात पर बह गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कोई आई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। पास बैठा मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी। अब अच्छा शादी करनी, फायदे में बता देता हूँ, मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लास्ट में जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी सुनती रही, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा, बोले अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी, दिल पे चुभ गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? फिर लास्ट में उसने जो बात बोली वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, लड़कियाँ बहुत मैच्योर होती हैं, वो खुशी वाली बात भी थी लेकिन चैलेंज भी था मेरे लिए। उसने बोला सफल हो जाओ, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, तब हर चीज़ तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें सब मिल सकता है, शायद मैं भी। जब उसने वो स्टेटमेंट बोला, मुझे दुख से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है, वो कह रही शायद मैं भी। आज वो मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है।